हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल की मार्केट की नींव, और क्या इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या हीरो जीरो ट्रेड का मौका मिल सकता है उसे डिस्कस कर लेंगे। और कल के दिन होने वाली दो आईपीओ की क्लोजिंग, एक हमारा मेनलाइन आईपीओ इंटेरो और सेकंड पॉलिसी इरिगेशन का जो एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो दोनों में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस उसे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक, स्पेशली पीएसयू स्टॉक, जहां पर हमें दो दिनों में अच्छा फॉल देखने को मिला है, तो वहां पर कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे इमीडिएट बेसिस पर, फास्ट टू फास्ट। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का सबसे पहले का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईए ने 1700 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 126 करोड़ की मामूली सी बाइंग करी है। नेट में फिगर बाइंग साइड का जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंडली हम अगर बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, तो अगर मैं सबसे पहले इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन आईपीओ की बात करूं, तो इसमें जो मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। सब्सक्रिप्शन कैसी आती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पर ये आईपीओ मेरे माइंडसेट में नहीं बैठता, जिसकी वजह से मैं इसको क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं, इनफैक्ट रिटेल कैटेगरी में भी होकर। बट हां, अगर एक काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर हम सिर्फ बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, बट मैं वहां पर मेरा माइंडसेट इतना अग्रेसिव फैक्टर का नहीं है कि मैं वहां पर रिस्क लूंगा। बट अगर हम काफी ज्यादा हाईली अग्रेसिव है और वहां पर मुझे एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 20x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, और क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 10x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर कि मुझे तो हर आईपीओ अप्लाई करना है, तो ऐसे में वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में एक दो नामों से अगर अप्लाई करना हो तो हम कर सकते हैं हमारा रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेकेंडली एसएमई आईपीओ की, जो हमारा होने वाला है पॉलिसी इरिगेशन का, अगर मैं इसमें भी अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इसमें मेरा डिसीजन क्लियर है कि मैं इस आईपीओ को भी इजीली अवॉइड करने वाला हूं बीइंग अग्रेसिव होकर। अगर मैं बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर बोलूं कि मुझे तो हर चीज अप्लाई करनी है, तो वहां पर एचएनए कैटेगरी में अगर मिनिमम टू मिनिमम 200x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, तो वहां पर एक माइंडसेट कि अगर बाय चांस यहां पर मुझे 20-30% का डिस्काउंट में खुल जाता है, क्या मैं उस डिस्काउंट को, उस लॉस को लेने के लिए कैपेबल हूं, तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ को अप्लाई कीजिएगा। और जो भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने माइंडसेट और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मेरा दोनों में डिसीजन क्लियर है कि मैं जहां पर इतना रिस्क नहीं ले सकता हूं। क्या ये हमें प्रॉफिट नहीं दे सकते दोनों आईपीओ? दे सकते हैं, वो बात नहीं है। प्रॉफिट होना ना होना वो बाद की बात होती है, मेन होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्या अगर बाय चांस ये हमारे फेवर में नहीं गया और हमारे ओपोजिट गया, तो क्या हम वहां पर उस लॉस को बियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हम इन दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर ले, तो ऑब्वियसली दोनों आईपीओ का कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में। इंटेरो हेल्थ केयर का 0.79% का और पॉलिसिल का 0% का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, सबसे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, जो आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका म्यूचुअल फंड में पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को आज के दिन स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी स्पेशली पीएसयू सेक्टर में। तो ऐसे में एक स्टॉक पीएसयू सेक्टर के अलावा बोल रहा हूँ, जो हमने ओपनली डिस्कस किया था 30 के लेवल के पास लेवल्स बने हुए हैं और 35 के ऊपर हमें कंफर्मेशन थी, वहां से तो ऑलरेडी ये डबल हो ही चुका था। अब इसमें टूटते हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमें वॉल्यूम्स कम देखने को मिल रहे हैं, और जहां पर ये अपनी 20 की मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, तो हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए नोटिस में रह सकते हैं छोटे से 1-2% के स्टॉप लॉस के साथ। मेजर सपोर्ट हमें इसमें मिलेगी 47 के लेवल की, जहां पर ये हमारे लिए फिर से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट बन जाएगा, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 3-4% का हो जाएगा, तो हमें उसे अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और अगर हमारी एंट्रीज काफी नीचे से है, जहां पर हमने डिस्कस किया, तो हमें इजीली इसे ट्रेल कर सकते हैं, फिर हमें दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की, जो हमारे पीएसयू सेक्टर के होने वाले। मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जहां पर एलआईसी
इसमें हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी 960 के पास की, जहां पर ये हमारे नोटिस में रह सकता है, और मेजर सपोर्ट मिलेगी 870 के पास की, जहां पर ये हमारे शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 3-4% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और मेजर सपोर्ट पर हमारा स्टॉप लॉस 5-6% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेकेंड स्टॉक हमारे पास जो पीएसयू सेक्टर का आ जाता है वो आ जाता है गेन। इस स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी जो मेजर सपोर्ट होने वाली है 160 के लेवल की, जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है, और 170 के ऊपर हमारे लिए ऊपर की साइड नोटिस में रहेगा, या तो 160 के लेवल पर या 170 के ऊपर, इनफैक्ट 171 का लेवल। थर्ड स्टॉक पीएसयू सेक्टर का ONGC, जिसमें हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी 250 के लेवल की, मेजर सपोर्ट मिलेगी 230 के लेवल की। सपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, 20 और 50 की मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेलटेल, जो अपनी फाइनल सपोर्ट पर आ चुका है, जहां पर ये हमारे नोटिस में रह सकता है 360 के लेवल के पास, और अगर इस लेवल को भी तोड़कर नीचे जाता है और हमारा नीचे की साइड 5% का स्टॉक लॉस सेट करता है तो हमें एग्जिट होना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए इमीडिएट नोटिस में रहने वाला स्टॉक है। और फाइनल जो सपोर्ट होने वाली है इसमें डू और डाई लेवल, वो आ जाता है 256 का लेवल, जहां पर फिर ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट बन जाएगा। अगर हम ऊपर की साइड बात करते हैं तो 400 के ऊपर हमारे लिए इसमें नई मूवमेंट देखने को मिलेगी। NHPC ये स्टॉक भी हमारे लिए अच्छा नोटिस में रह सकता है, जहां पर 76 इसमें हमें इमीडिएट मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर इस लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट करना पड़ेगा 3-4% का, और इसमें मेजर सपोर्ट आएगी वो आएगी 59-60 का लेवल, जहां पर ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। 88 के ऊपर हमारे लिए इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक आएगा BPCL, अभी एक्सटेंडेड है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 538 या 540 के लेवल के पास ही हमारे इसमें पहली सपोर्ट देखने को मिलेगी, मेजर सपोर्ट हमें इसमें मिलेगी 490 के लेवल के पास। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी इसमें 165 की, इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी 189 की, और जिस लेवल पर ये खड़ा है अभी भी ये हमारे नोटिस में रह सकता है, 232 के ऊपर हमारे लिए नोटिस में आ जाएगा, और अगर हमारी यहाँ पर एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 3-4% का नहीं होना चाहिए, और 265 के लेवल के ऊपर इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सटेंडेड है, इस जगह पर मैं कुछ नहीं करूंगा। 660 का पहला लेवल आता है, जहां पर ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है, मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी इसमें 630 के लेवल के पास की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टॉक ऑफ द डे, वो होने वाला है हमारे पास IRCTC, इमीडिएट मेजर सपोर्ट के पास आ चुका है 50 की मूविंग एवरेज के पास, 890 के पास, जहां पर ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है, और 945 लेवल के ऊपर हमें इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। फाइनल एंड डू और डाई लेवल की सपोर्ट होने वाली है इसमें हमें 760 के लेवल के पास की, जहां पर ये हमारे लिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का भी कैंडिडेट बन सकता है। हमने यहां पर 10 पीएसयू स्टॉक्स को डिस्कस किया, और एक एडिशनल प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक भी डिस्कस किया है, जो इंफ्रा का स्टॉक होने वाला है। तो टोटल 11 स्टॉक्स डिस्कस हो चुका है, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस टेक्निकल बेसिस पर क्या लेवल्स निकल कर आते हैं उन पॉइंट्स को स्टडी आउट करने की कोशिश करी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, हमारी सिंपली कल के दिन बात होती है कि 670 के लेवल के ऊपर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, और वहां से हमें बार बार 3-4 बार मौके मिले, और हमें हर बार अच्छी मूव देखने को मिली है। आज के दिन स्पेशली बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड प्रोवाइड करी थी टेलीग्राम पर 305 से, जो सीधा पहुंच चुकी थी 900 तक, मतलब कि बैंक निफ्टी में हमारा पैसा 3 गुना हो चुका था। उसके बाद एक बैंक निफ्टी में ट्रेड दी थी 390 के लेवल के पास की, जो भी सीधा पहुंच चुकी थी 550 तक के लेवल के पास, मतलब कि अच्छे खासे प्रॉफिट हो चुके थे। एक बैंक निफ्टी की ट्रेड में सबसे पहली ट्रेड थी, वहां पर हमारा 15 पॉइंट का SL हुआ था, जिसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि कहा था कि अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड मिलती है तो मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर मिड कैप निफ्टी में हमें ट्रेड मिली, और जहां पर पैसा 4 गुना हो चुका था। बाय द वे, अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर कल के दिन होने वाला है ट्यूसडे, और जल्दी ट्यूसडे को ट्यूसडे इफेक्ट लग जाता है, और वहां पर हमें वोलेटाइल मूव्स, जिगजैग मूव्स देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि मैं आज के दिन अच्छी मूव देखने को मिल चुकी है, तो अगर हम कल के दिन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या क्वांटिटी को कम रखते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, जहां पर प्योरली एंड प्योरली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। फिर भी अगर हम लेवल्स की बात करते हैं 21,720, इसके ऊपर हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर हमें कॉल साइड की मूव देखने को मिल सकती है, बट सस्टेन करना जरूरी है। नीचे की साइड अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आज के दिन का लो तोड़ता है
और वहां पर हमारी एंट्री होती है पुट में, तो हमारा ऊपर की साइड 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और उसे नीचे की साइड जैसे जैसे जाता जाएगा हमें उसे ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी भी हमें बैक बाउंस देखने को मिल सकता है। हालांकि मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 21,450 के लेवल की, जहां पर हमारा ध्यान रहेगा बाइंग साइड पे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, 44,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस लेवल तक बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलता है, तो वहां से हमें स्पेशली बैक बाउंस होने के काफी ज्यादा उम्मीद रहेगी, और ऐसे में हमारा ध्यान रह सकता है बैंक निफ्टी में 44,000 के लेवल के आसपास। बट हाँ, 44,880 के लेवल तक चल रहा है, क्या मुझे इस 800 पॉइंट को शॉर्ट करके कैप्चर करने की जरूरत है? मैं जहां पर पर्सनली इस 800 पॉइंट को छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, 44,000 के लेवल के पास मिलता है, तो वहां पर सीई में एंट्री हमारी नोटिस में रह सकती है, एक छोटे से 60-70 के पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। उसी के साथ साथ सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो वहां पर कोई भी हीरो जीरो ट्रेड मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, आई नो काफी ज्यादा स्टॉक्स आज के दिन डिस्कस हो चुके हैं, बट क्योंकि सभी स्टॉक्स इंपोर्टेंट होने वाले थे, हमने अभी तक पीएनजी स्टॉक्स को काफी टाइम से डिस्कस नहीं किया था। रीजन क्या था कि ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सटेंड हुए पड़े थे, और कभी भी हमें बिना फालतू में उड़ती हुई चीजें लेने की जरूरत नहीं होती है। और अगर हमें मार्केट में लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर मौका दे रहे हैं, तो वहां पर देखो स्टॉप लॉस सेट होगा वो अलग मैटर है, बट जहां पर खोने को 2 रुपए आने को 5 रुपए, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ रहा है, तो वहां पर उन चीजों को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आज काफी सारे स्टॉक्स को एक साथ डिस्कस कर लिया है। बाय द वे, एक स्टॉक आईआरसीटीसी, जिसके कल के दिन रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहां पर रिजल्ट का इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उस स्टॉक में थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा। अब रिजल्ट को मार्केट किस तरीके से लेगी वो मार्केट की मर्जी है, बट हमें प्रॉपरली लेवल्स और उनके स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय द वे, जितनी भी हमने जहां पर चीजें डिस्कस करी है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।